जिला पुलिस मंडी और सहभागिता टीम द्वारा मंडी में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें तीन टीमें बनाकर उनको विक्टोरिया पुल, भ्यूली पुल और मंडी रिवालसर सड़क पर लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करवाया गया, जिसमें जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उनको जागरूक किया गया और जो ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे थे उन्हें चॉकलेट देकर प्रोत्साहित करके ये संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा गया तथा कार्यक्रम के अंतर्गत वाहन चालकों को जागरूक किया गया कि वे हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें, अधिक गति में गाड़ी ना चलाएं, प्रेशर हॉर्न का उपयोग ना करें और शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। दोपहिया वाहनों को हेलमेट का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया और साथ ही लोगों को मास्क का सही उपयोग करने के लिए भी जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कार्यक्रम का निरीक्षण किया और कहा कि पुलिस और आम जनमानस की सहभागिता से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। जिला कुल्लू की तर्ज पर मंडी जिला में भी प्रेरित युवक युवतियों की एक टीम तैयार की गई है, जो सहभागिता हमारी और आपकी मंडी चैप्टर के नाम से जिला में काम करेगी। ये टीम जिला भर में समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों के विरुद्ध आम जनता को जागरूक करने के लिए कार्य करेगी। शुरुआत में मुख्य फोकस युवाओं में बढ़ती नशे की आदतों तथा महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों की रोकथाम पर रहेगा। पुलिस और नेहरू युवा केंद्र के जो वॉलंटियर्स हैं, करीब 20 वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको आज से हम अपने कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। और ये कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम जो है, ये सहभागिता हमारे और आपकी मंडी चैप्टर नाम से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट के सभी जो सब डिविजन हैं उनके हेडक्वार्टर्स पे हम एक टीम रेडी करने का प्रयास में है, जो कि कम्युनिटी अवेयरनेस और पुलिस का जो पब्लिक से इंटरेक्शन है उसमें एक ब्रिज का काम कर सके, लिंक का काम कर सके। तो आज इसकी फर्स्ट एक्टिविटी मंडी टाउन से हमने शुरू की और इसमें तीन टीम्स, जिसमें ये 20 बच्चे जो हैं वो पुलिस की टीम्स के साथ अभी रोड पर एक्टिव हैं। और इनको ये कार्य दिया गया है कि ये लोगों को स्मोकिंग, टोबैको का जो अब्यूज़ है और रोड सेफ्टी और कोविड के जो प्रिकॉशन है इनके बारे में अवेयरनेस दें। और जो भी इसमें हमें गुड समैरिटन्स जैसे कहा जाता है, अच्छे लोग जो पूरी तरह से गाइडलाइंस और नियम उनका पालन करते हुए रोड पे मिलेंगे, उनको हम एक छोटा सा उपहार देके सम्मानित करेंगे। और हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर भी यदि वे इस बात से एग्री करते हैं और हमें परमिशन देते हैं तो हम उनके फोटोग्राफ्स और उनके नेम्स अपने फेसबुक के पेज के माध्यम से भी पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि पब्लिक में वो एक रोल मॉडल्स बने और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बने कि पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस, चाहे वो रोड सेफ्टी की हो या कोविड रिलेटेड हो या फिर जैसे जो ड्रग्स का अभी यूज़ है या टोबैको का, खासकर पब्लिक प्लेसेस में धूम्रपान की जो समस्या है उसके बारे में एक अवेयरनेस मैसेज बने और पब्लिक ही पब्लिक के लिए रोल मॉडल बने। और इस तरह से कम्युनिटी जो है वो एक अच्छा सेंस उसमें डेवलप हो, ताकि पुलिस का काम भी थोड़ा ईजी हो और पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन थोड़ा पॉजिटिव हो। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस का एक्शन जो है चलान तक लिमिटेड रहता है, लेकिन ये एक अवेयरनेस ड्राइव है और इसमें हम बच्चों से ये करवा रहे हैं ताकि बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी फील करें और इन्वॉल्व भी फील करें कि मंडी उनका अपना ज़िला है और इस ज़िले में जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने में वो पुलिस का सहयोग दे सके। तो ये टीम्स अभी भूली में और ITI के पास और साथ में स्कूटी ब्रिज जो उसका चौक है वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। और इनको टास्क किया गया है कि वे करीब 2 घंटे रोड पर प्रेजेंट रहें, पुलिस की टीम जिनके साथ देंगी और हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं वो भी इनको बीच में इनके साथ एंगेज करेंगे। तो मैं सभी से ये अपेक्षा करती हूँ कि वो इन बच्चों की बात सुने और मंडी में रोड एक्सीडेंट्स का जो नंबर है वो हम 0 पे लेके आएँ और साथ ही जो टोबैको का अब्यूज़ है, सिगरेट बीड़ी और तंबाकू जो बहुत ही हानिकारक रहते हैं और जगह जगह से उसके बारे में सरकार के द्वारा अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाती है, तो हमारी एक छोटी सी पहल है। इसमें सभी का हमें सहयोग मिलेगा और पब्लिक के बीच से, मंडी की जनता के बीच से मंडी के लिए हीरो हम ढूंढने की कोशिश में, ताकि वो सबके लिए एग्जाम्पल बने और सभी इस ड्राइव में हमारी हमारे साथ।